ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपए जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहाँ से डलाऊं, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशंस, लड़े उससे, गए कोचिंग उस दिन, कोचिंग में किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहां पर जाके उसी एनर्जी से उसी तैयारी से पढ़ाया। तो कचरा होती है चीजें, और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है। मुझे भी लगता है किसी नए बैच लॉन्च में बहुत डर लगता है मुझे भी कि ये टीचर जिसपे मुझे इतना ट्रस्ट है, क्या मेरे बच्चों को इसमें मजा आएगा कि नहीं, कंटेंट वाइज तो बहुत अच्छे हैं ये, क्या इसमें मजा आएगा कि नहीं बच्चों को। सो डर का यार सलूशन यही है कि जो आप डिसीजंस ले रहे हो उनको कई बार चेक करो, साल भर पढ़ाई जो कर रहे हो उसको चेक करो, अभी आप क्या कर रहे हो, दिन भर डर रहे हो कि डिसीजंस पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। मुझे वो कभी फील होता है कि ये जो पर्टिकुलर टीचर है ये पीडब्ल्यू के लिए फिट नहीं है, मुझे डर लगता है, सो आई डोंट टेक देम इन पीडब्ल्यू। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, भले वो कितने भारी भरकम फैकल्टी हो, कितनी बड़ी उनकी एक्सपीरियंस हो, कितनी बड़ी उनकी रैंकिंग्स हो, मुझे लगता है ये हमारे बच्चों को नहीं सेटिस्फाई करेंगे, आई डोंट टेक देम। सो जब डर लगे तो गलत डिसीजन लेना बंद करो, दिन भर डरना बंद करो, इस जगह एग्जीक्यूशन पे बिलीव करो। तभी तो बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो सिंपल सी लाइन यहीं से तो आई है, डर के आगे जीत है, डर के अंदर जीत नहीं है, तो वहां से निकलना ही होगा। मुझे भी डर लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, कहीं जा नहीं सकते। अगर कोई इंसान आपसे आके यूट्यूब पे बोल रहा है, कोई इंसान का आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, डर को मैंने मार दिया, नहीं बच्चा, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, डर, जेलसी, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं, जो इंसान इससे ओवरकम कर लेगा फिर तो साधु संत बन जाएगा। सबके अंदर होते हैं, हर किसी के अंदर है, हमारे अंदर भी है, उसको छोड़ना पड़ता है, अपना फोकस चेंज करना पड़ता है हमेशा। मैं लाइफ में जब बहुत डिप्रेस था, एक टाइम ऐसा है मेरी लाइफ का जिस फेज के बारे में मैंने कई बार बात की, और आई थिंक बहुत जल्द आप लोगों को शायद उसके बारे में पता भी चलेगा, आप लोग नीट का पेपर दे चुके होंगे, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, भगवान ने चाहा, आपने चाहा तो बिल्कुल होंगे, तो आपको उस फेज के बारे में मेरे पता चलेगा जिस फेज में मैंने लाइफ का अपना सबसे टफ टाइम फेस किया, और कैसे निकला वहां से, सिर्फ और सिर्फ फोकस शिफ्ट करके। फोकस शिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फोकस शिफ्ट सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बट डिफिकल्ट होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई चीज खराब चल रही या तो उसमें घुसे रहो या तो फोकस शिफ्ट करो। अब इधर क्या होता है, इधर चीज कचरा होती है, जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कचरे लेवल पे है, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है, घिसना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन था मेरा, इलाहाबाद पहुंचा, टेम्पो पकड़ के कोचिंग जाता था पढ़ाने, स्प्लेंडर प्लस मेरे कोचिंग के मालिक ने मुझको दे रखी थी, जो मेरे पार्टनर थे, उन मालिक या पार्टनर जो कह लो, मेंटोर कह लो, उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस दे रखी थी। स्टार्ट नहीं होती थी, भाई धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार कर कोचिंग जा रहा हूँ। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपए जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहाँ से डलाऊं, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशंस, लड़े उससे, गए कोचिंग उस दिन, कोचिंग किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहां पर जाके उसी एनर्जी से उसी तैयारी से पढ़ाया। तो कचरा होती है चीजें, और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस चाहिए होगा। सर 30 दिन में नीट निकल जाएगा, अगर नहीं प्रिपरेशन है तो कैसे निकलेगा बच्चा। हाँ, पर 30 दिन में अपन 600 पहुंच सकते हैं, 500 पहुंच सकते हैं, मेबी 500-550 तो हिट करेंगे, मेरे अभी 100 आ रहे हैं, 500 हिट करेंगे, 550 हिट करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मार जाएंगे। फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी, फोकस गलत जगह पे अपनी फोकस है कि यार चीजें बहुत खराब है, अपनी फोकस होना चाहिए आज क्या डिसीजन लें जिससे ये चीज 1% इंप्रूव हो जाएगी, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे है, उसका 1% कितना हुआ 0.1, कल वो 2%, उसका 1% 0.2, कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% 1% हो गया, जब वो 50% पे पहुंच गया उसका 1% 5%, तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा। मैथ समझो इसके अंदर की, अगर किसी भी इंसान की जर्नी देखो, मैं अगर अपनी ही जर्नी देखूं, तो इनिशियल जर्नी ना किसी भी इंसान की, जब भी टफ सिचुएशन होती है ना लाइफ की, जैसे आपके पास 30 दिन बचे हैं, तो अगर आप आज से भी अपनी जान लगाना स्टार्ट कर दोगे, देखो हमको पता है इस एंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, आपको भी पता है, हमको भी, दिल में हम सबको पता है, बस होता क्या है कि हमें किसी के ऊपर अपने जीवन के ब्लेम डाल ले, तो हम ब्लेम किस पे डाल देंगे, हम ब्लेम डाल देंगे मूविंग ऑयल थर्मामीटर पे, सवाल नहीं आएगा पेपर में, हम ब्लेम डाल देंगे, ये नहीं पढ़ाता, और आया तो एक सवाल आया फिर भी हम ब्लेम डाल देंगे कि ये 4 नंबर होते तो मैं सेलेक्ट होता, ये सेमीकंडक्टर ब्लेम डाल सकते हैं, तो प्रॉब्लम इस एंड पे ज्यादा नहीं है, हमको भी पता है आपको भी पता है, प्रॉब्लम है वहां पे, ठीक है। तो जब भी ना कोई भी चीज का, ऐसे मान लो आपकी आपकी सक्सेस को अगर हम देखें, है ना, और आपके हार्डवर्क का अगर हम ग्राफ देखें, सक्सेस वर्सेस हार्डवर्क, तो बड़ा ही अजीब सा ग्राफ है,
जो हमने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया। पता नहीं इसके लिए जो फैशनेबल यूट्यूबर्स हैं वो कैसे समझाते हैं इसको, भाई हम तो फिजिक्स के टीचर हैं ऐसे ही समझा पाएंगे। तो सक्सेस और हार्डवर्क का जो ग्राफ है ना वो बहुत अजीब सा है, वो ग्राफ यूं चलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस ग्राफ में, मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं इस ग्राफ में, यहां पे इस जगह पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं और ग्राफ यूं उठता है। स्टार्टिंग में आप इतनी हार्डवर्क डालोगे और आपको कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा, और बाद में आपने इतनी हार्डवर्क डाली ये इंप्रूवमेंट है ना, जिसका डीवाई बाई डीएक्स से बढ़ रहा है ना, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसकी स्लोप देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये रेट ऑफ चेंज कितनी तेज बढ़ रहा है। तो अभी हो सकता हो अगले 30 दिन के अंदर आप आज जान लगाने की सोचो और आपके मन में आ ही रहा हो, इम्पॉसिबल। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया, इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट फ्रॉम हियर। इट्स नॉट दैट, इट्स द थिंग कि आप अभी इस फेज को झेलना नहीं चाहते हो और इसको झेले बिना ये फेज नहीं आएगा। ये फेज आपको निकालना पड़ेगा। शायद इनिशियल 3 से 4 दिन आपके ये फेज वाले, 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे, 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन, मैजिक इज गोइंग टू हैपन। देयर वाज अ टाइम आई केप्ट पोस्टिंग, मैं अपनी स्टोरीज हमेशा सुनाता हूं कि आप रिलेट करोगे, कहीं ना कहीं हमारी आपकी कहानी सिमिलर है। आप उस एग्जाम को चेस कर रहे हो, मैं अपने किसी और ड्रीम को चेस कर रहा था उस टाइम पे। मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था, छोटे छोटे मीम्स बनाता था, आप आज भी देख करो, physicswala.com था वो। अब उस पेज को शायद चेंज करके इन लोग ने फिजिक्स वाला अलग पांडे कर दिया, इन लोग मतलब टीम ने फिजिक्स वाला अलग पांडे, फिजिक्स वाला WALA नॉट वल्ला, फिजिक्स वाला WALA.com, वहां मीम्स डालता था मैं, है ना, कुछ भी छोटे छोटे मीम्स डाल दिए, ब्लैक बॉडी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉर्फियस की फोटो डाल दी, किसी एक है मतलब मैट्रिक्स मूवी, वहां से छोटी चीजें करता रहता था इस तरह की, अलग अलग मीम्स ट्राई कर रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, कोई मीम नहीं हिट हो रहा था, कुछ नहीं बात बन रही थी, और रोज डाल रहा था। एक दिन एक मीम हिट हो गया, एक दिन एक मीम पे 200 के ऊपर कमेंट आ गए, एंड बैक देन इन 2015 और 2016 किसी एक फेसबुक पेज पे मेरे जैसे इंसान के लिए 200 कमेंट और सब आंसर्स बता रहे थे क्वेश्चन के, वो दैट वाज द पोस्ट, मेरे को आज भी याद है, सेव मिस्टर फिजिक्स वाला, उसमें फिजिक्स वाला बिल्डिंग की छत से कूदता है, उसके हाथ में एक टैब होता है सैमसंग का, क्योंकि मेरे पास एक टैब था जिससे मैं पढ़ाता था बच्चों को, है ना, जिसमें मैं क्वेश्चन लेके जाता था, वहीं से लिखता था बोर्ड, 7,000 का टैब था, ऐसा बहुत महंगा भी नहीं था। तो वो था कि उसके हाथ में टैब है, वो कैसे बचे, नीचे कांटे हैं, तो अपने टैब को इधर फेंकेगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टैब को इधर फेंकेगा, खुद इधर चला जाएगा। HC वर्मा का सवाल है एक्चुअली, पर पद्मश्री HC वर्मा सर है ना, तो उनकी किताब का सवाल था, उसको मैंने ऐसा फॉर्म किया, वो मीम हिट हो गया। क्या वो मीम 2015-16 में हिट हुआ तो क्या मैं हिट हो गया? नहीं, उसके बाद फिर एक स्ट्रगल था। तो कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाता है कि यस मैजिक इज गोइंग टू हैपन इफ यू कीप ऑन पुटिंग हार्ड वर्क। ये तो मैं यूट्यूब जर्नी की बात भी नहीं किया, आज आपको एक फेसबुक पेज की मैंने कहानी सुना दी। उसके बाद सारे पोस्ट हिट हुए, नहीं फिर फ्लॉप हो गए, उसके बाद के पोस्ट फिर फ्लॉप होने लगे, फिर मैं लेके आया सेव मिस्टर फिजिक्स वाला पार्ट 2, वो भी फ्लॉप हो गया। बट पहले पार्ट से मुझे लगा कि यस रोज हार्डवर्क करने से, तो आप इस फेज में हो अभी, ये फेज से अगर आप निकल आए 3 से 4 दिन 14 से 15 घंटे की मेहनत, आपको दिख जाएगा मैजिक इज गोइंग टू हैपन। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम अगेन, थोड़ी सी मैंने आपको कोशिश की मोटिवेट करने की, थोड़ी सी आपको लेसन देने की अपने लाइफ से, ठीक है, जो भी मोटिवेशनल लेसन मेरे पास लाइफ में है।